वही बेटा, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स है, 2 kg, 3 kg, 10 न्यूटन, 0.2, 0.3 आर फ्रिक्शन कोफिशियंट। मैंने दोनों जगह फ्रिक्शन कर दिया इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कर भी दिया तो सिंपल ही है। ठीक है, मैं कौन सा दे रहा था, क्या कर दिया मैंने, कौन सा दे दिया, 0.2 kg, 3 kg, 10 न्यूटन। हाँ, फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो आप क्या करेंगे, आपको वैसे ही करेंगे, आपको तो ऐसे सारी प्रॉब्लम एक ही स्टेप से करना आता है। पहले तो मैक्सिमम लिख देंगे, कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो एक बार, 15 न्यूटन आ रहा है क्या सब बच्चों का, इसमें निकालने में तो दिक्कत नहीं आ रही, 15 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, हेलो, बस अभी चली गई, 4 मिनट। हाँ देखो बेटा, ये 4 न्यूटन और 15 न्यूटन है आपका, ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन आपने लिख लिया है यहाँ पर। अब क्या करें, अब आप क्या देखोगे बताओ मुझे, आप ऐसे ही देखोगे 10 न्यूटन लग रहा है, कॉमन एक्सलरेशन निकालने की कोशिश करोगे आप, तो जब आप इसको सिस्टम लोगे तो आपको पता पड़ेगा बेटा ये तो चल ही नहीं सकता। तो आपको ये पता पड़ रहा है कि सिस्टम तो चल ही नहीं सकता अगर इसको कॉमन एक्सलरेशन लोगे। स्टेप वन हो गया, आपने सक्सेसफुली कर लिया, स्टेप टू के लिए आप क्या करोगे, कॉमन एक्सलरेशन निकालने की कोशिश करोगे, तो चल ही नहीं रहा सिस्टम, ये चल ही नहीं सकता सिस्टम, क्योंकि 10 न्यूटन है या मैक्सिमम फ्रिक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉमन एक्सलरेशन तो आपका 0 ही आएगा, चल ही नहीं सकता बिल्कुल। ठीक है, तो चल ही नहीं सकता जब ये मूव नहीं कर सकता, तो आप ये बताओ ऐसा हुआ है कि कभी इसको आपने खींचा, ये तो खींच नहीं रहा और ये चलने लग गया ऊपर वाला ब्लॉक, आप तो डर जाओगे, ऐसा कभी हो गया तो बोलिए, आप इस पे फोर्स लगा रहे थे, ये तो चल नहीं रहा और ये चलने लग गया, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इस सरफेस की मोशन इसने ग्राउंड ने ही स्टार्ट नहीं होने दी, ठीक है, तो फिर इसकी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी डेवलप नहीं हुई, तो इसको एक क्यों रोकने की कोशिश करेगी, रोकेगा ही, और अगर इसको ये रोकता तो ये चलने लग जाता ना, बट ये चलता है कि ये तो वही रखा रहता है, जब ये नीचे वाला ब्लॉक ही नहीं चल रहा है तो ये ऊपर वाला भी नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें सरफेस की जाने की टेंडेंसी इसने ही प्रोड्यूस नहीं होने दी। क्लियर है बेटा, तो आप ये बताओ 3 kg और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन कितना होगा, ये दोनों चीजें बता दो मेरे को, दोनों ब्लॉक के बीच। तो पहली बात तो फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड ग्राउंड कितना लगेगा, ये कौन बता सकता है, जल्दी बताओ, फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड ग्राउंड कितना होगा, फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, 10 न्यूटन है, तो ये रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 न्यूटन ही तो लगेगा, खत्म हो गया बेटा, फ्रिक्शन 15 थोड़ी नहीं लगने वाला है यहाँ पर, बस 10 न्यूटन लग के रोक देगा। और फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, बेटा बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बहुत ही कम लोग समझते हैं इसको, और इतना कोई समझाता भी नहीं, ये भी लिख लो, ठीक है ना, फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, वेरी गुड बेटा, क्योंकि इसमें इसने ही टेंडेंसी डेवलप नहीं होने दी, तो वो क्यों चलेगा, तो एक थोड़ी सी ऐसी बात थी कि थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना, या आपको अपने आप इस स्टेप पे स्ट्राइक कर जाएगा, तो वो स्टेप्स किसी भी तरह से फेल्स नहीं है, वो हर जगह है मतलब, पर थोड़ा सा आप ध्यान रख लो तो अच्छी बात है। आपने 10 देखा, 15 न्यूटन, अब आप इतनी बेवकूफ हैं कि आप 15 इधर लगा के 10 उधर लगा के इधर चलाने लग गए, तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जब आपको दिखा आपने का 15 इधर है तो सर इधर चलेगा, आप खींच उधर रहे थे और चलने इधर लग गया, सोचो क्या कर दिया आपने, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्लियर है। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन ही 10 न्यूटन लग के सिस्टम को रोक लेगा, जब ये चल ही नहीं रहा है तो 2 kg भी इस पर कितना फोर्स लगाएगा, क्यों लगाएगा, जब इसकी टेंडेंसी नहीं है चलने की तो क्यों लगाएगा, तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन 0 रहेगा, इसके बीच 10 न्यूटन रहेगा, सिस्टम पूरा रेस्ट पर रहेगा अगर आप यहाँ 10 न्यूटन लगा रहे। ठीक है, कोई दिक्कत है, वैसे कई एग्जाम्पल्स है बट अपन सब लेंगे कल एक बार, बट आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, कल और अच्छा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट टर्न आपका कब है, कल नहीं है शायद।